और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर उनके विरोधी भी चार आने का आरोप नहीं लगा सकते भैया, चार आने। लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरणों का मतदान अब संपन्न हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप जो अभी तक राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं उसमें भी अब और भी ताजा तेजी जो है वो आपको दिखती है। ऐसे में अमित शाह ने जो है केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने इस दौरान बताया किस प्रकार से मनमोहन सरकार के दौरान जो है यानी कि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान कितने घपले घोटाले हुए और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया कि पिछले 23 वर्षों से वे आपको पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी हैं, उन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर घेरा। भाइयों बहनों मैं बताता हूं, 10 साल तक इस सोनिया मनमोहन ने देश चलाया, यही खिचड़ी अलायंस था, यही इंडिया अलायंस था। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, 12 लाख करोड़ के। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर उनके विरोधी भी चार आने का आरोप नहीं लगा सकते भैया, चार आने का। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, अरे हमारे मुंबई को दहला दिया। मौनी बाबा कुछ नहीं करते, उनको डर लगता था हमारी वोट बैंक चली जाएगी, वोट बैंक चली जाएगी। मोदी जी आए, पाकिस्तान को आदत जो लगी थी, उरी और पुलवामा में हमला किया और 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी।